बिहार की राजधानी पटना में जल प्रलय की स्थिति बन गई है। पानी बिजली विहीन शहर में वाटर कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। यहां तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दो दिनों तक अपने ही घर में कैद थे। अंततः प्रशासन को उनको सपरिवार रेस्क्यू करना पड़ा। पटना के लगभग सभी क्षेत्रों में पानी भर गया है। सोमवार को फिर से शुरू हुई बारिश से स्थिति और भी बदतर होने की संभावना बढ़ गई है। पटना में सड़कें, मॉल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन सभी जगहों पर पानी भर गया है। पिछले करीब चार दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद सोमवार को पटना वासियों को राहत मिली थी। हालांकि सोमवार दोपहर पटना में फिर से बारिश शुरू हो गई। बिहार सरकार लोगों को राहत पहुंचा पाने में पूरी तरह विफल दिख रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम रविवार से बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। पटना में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया। वहीं लोक गायिका शारदा सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते हुए लिखा कि राजेंद्र नगर में अपने घर में फंसी हूं, मदद नहीं मिल पा रही है। एनडीआरएफ की राफ्ट तक भी पहुंचना असंभव है, पानी महक रहा है। काश भारत में एयरलिफ्ट की सुविधा होती, कोई रास्ता हो तो बताएं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को आरोप लगाया है कि मौसम विभाग ने सही पूर्वानुमान नहीं दिया था, जिसकी वजह से इस तरह के हालात हुए हैं। सीएम के इस आरोप को मौसम विभाग के उप निदेशक आनंद शंकर ने खारिज कर दिया है। वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।